पाली में पेयजल आपूर्ति के लिए प्रशासन जुटा व्यवस्थाओं पर गंभीर पेयजल हालत पर ग्रामीण क्षेत्रों में हालत विकट। पाली जिले में इस बार 20 सालों में पहली बार जिलेवासियों को गंभीर पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। मुख्य पेयजल आपूर्ति लाइफलाइन जवाई बांध में पानी नहीं होने की वजह से संपूर्ण जिले में गंभीर पेयजल के हालात पैदा हो चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा जोधपुर से पाली वाटर ट्रेन से पानी लाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं 65 करोड़ की लागत से पाइपलाइन से पाली पानी लाने की योजना भी कछुआ चाल से प्रगति पर है। जानकारी सूत्रों के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह में वाटर ट्रेन चालू होगी, जो रोजाना 4 फेरी करेगी। रोजाना वाटर ट्रेन का खर्चा 15 लाख आएगा। वहीं हर महीने 4,50,00,000 रुपए वाटर ट्रेन पर खर्च होंगे। जवाई में वर्तमान में जनवरी तक 1.5 स्टोरेज पानी से सप्लाई 7 दिन में एक बार की जा रही है। वहीं जिले के मारवा जंक्शन के बानियावास, जोगड़ावास और रोहट के खारडा बांधों से 2 महीने तक जिला मुख्यालय और सोलर क्षेत्रों में जलापूर्ति की जा रही है। वहीं मारवा रोहट उपखंड के सैकड़ों ग्रामों में गंभीर पेयजल संकट पैदा हो चुका है। जिला कलेक्टर और जलदाय विभाग समुचित व्यवस्था पर देता है। ग्रामीण हलकों में ग्रामीणों को अब भी दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, तो अप्रैल जून गर्मी में हालात कैसे होंगे, प्रशासन की चिंता अभी से सताने लगी है। सर, मारवाड जंक्शन क्षेत्र में इस बार कम बरसात के चलते पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, आपके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई है आपके विधानसभा क्षेत्र में? मारवाड जंक्शन क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से बारिश की कमी और इस बार तो बहुत ही भयंकर अकाल की स्थिति है। ऐसी स्थिति में जवई बांध का पानी भी सूख चुका है और जवई पुनर्भरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में भी घोषणा की और स्वीकृति भी जारी की है, उसकी DPR बन रही है और बहुत जल्दी कार्य प्रारंभ होगा। तब तक के लिए उसमें लंबा समय लगेगा, तब तक के लिए मैंने स्थानीय स्तर पर लोकल सोर्स जहाँ जहाँ पर भी ओपन वेल है, ट्यूब वेल्स है, वो मैंने स्वीकृति करवाई है DMFT के माध्यम से और साथ ही JJM के तहत विशेष प्रावधान रखते हुए स्थानीय गांवों में ओपन वेल और ट्यूब वेल भी लिए हैं और उसकी स्वीकृति लगभग जारी हो चुकी है। मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि बहुत बड़ी सौगात मारवाड़ जंक्शन में जो जो मैंने मांग की है वो मुख्यमंत्री महोदय ने उसकी स्वीकृति जारी कर दी है और बहुत जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कार्यक्रम रखे इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा।